सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सड्डा अड्डा फॉर ट्रक लवर्स में। आ गए दोस्तों, जहाँ से मशीन को हम लोगों को करना है लोड। हो रही पीछे खड़ी है मशीन, ये रही अपनी गाड़ी। तो बस अभी पहुँचे हैं, थोड़ी देर बाद इस मशीन को करके लोड करके निकलेंगे यहाँ से। और पूरा रास्ता गड़बड़ था दोस्तों, इतनी धूल थी कि पूरी हालत ख़राब हो गई। चलिए दोस्तों, अब मशीन को किया जाए लोड। ये रहा यहाँ का कुछ नज़ारा, ये पीछे पहाड़ है यहाँ पे मशीन चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी पैक करके लगाई जाए, मशीन को किया जाए लोड, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तब तक बने रहिए, और भूल जाते हैं आप लोग वीडियो के बाद, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मशीन लोड करके दोस्तों कुछ दूर निकल आए हैं, और अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ऑपरेटर वगैरह का
सामान वगैरह है जो शायद यहाँ पे रखा हुआ है, उन्होंने गाड़ी रोकी है। अब वो लोग सामान वगैरह लाएंगे, सामान वगैरह लोड करके उसके बाद चलेंगे यहाँ से। बगल में यहाँ दोस्तों एक पहाड़ है, तब तक चलिए मैं आप लोगों को पहाड़ दिखाता हूँ। वीडियो में पता नहीं गहराई समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन रियल में दोस्तों यहाँ पे खड़े होकर देखने में बहुत ज़्यादा गहराई है। देखिए दोस्तों पत्थर गिर रहे हैं, जहाँ ये मशीन नहीं काम कर पा रही वहाँ पे ये आदमी चढ़ के खुद काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों प्रकृति के साथ खिलवाड़। कोई कहेगा कि यहाँ पे कभी कोई पहाड़ था, मतलब शायद कभी कोई पहाड़ जब यहाँ पे रहा होगा तो जितनी ऊंचाई पे रहा होगा आज उतना ही गहरा कर दिया है इसको। मशीन भी दोस्तों कुछ काम कर रही है, वो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितनी ऊंचाई ऊंचाई पे मशीनें खड़ी हुई हैं। रात हो चुकी है दोस्तों, निकल चुके हैं वहाँ से, सामान लोड करने में लोगों ने बहुत देर कर दी, तो देखते हैं दोस्तों कितनी देर बाद अपने लोकेशन पर पहुँचेंगे जहाँ पे इस मशीन को अनलोड करना है। तब तक इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। फाइनली दोस्तों मशीन को कर रहे हैं अनलोड। दोस्तों पूरा वीडियो नहीं बना पाया, असल में बीच में रेलवे का एक पुल था, वहाँ पे गाड़ी फंस गई थी, मशीन की केबिन उसमें फंस रही थी, निकल नहीं पा रही थी गाड़ी। इसी तरीके से वहाँ से गाड़ी निकाली है, मशीन के ऊपर की जो लाइटें लगी होती हैं वो भी टूट गई हैं, बिल्कुल मार्जिन बहुत कम था, और केबिन फंस रही थी। दोस्तों बूम तो फैला सकते हैं लेकिन केबिन में कोई इलाज नहीं है। तो फाइनली हम मशीन को कर रहे हैं अनलोड, रात भी बहुत हो चुकी है, फटाफट इस मशीन को अनलोड करके और निकलते हैं यहाँ से। तो मशीन को कर दिया है अनलोड और एक बार फिर निकल चुके हैं अपने घर के लिए। दोस्तों जब काम ख़त्म करके घर के जाने का टाइम आता है ना दोस्तों, बड़ा अंदर से एक सुकून मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।